और बनता हुआ, और बैंक्स भी देखिए इससे पीछे नहीं है। सेंसेक्स और निफ्टी जो 1/4% नीचे है, आप देखिए उससे ज्यादा आज फिर से बैंक्स गिर रहे हैं। पीएनबी इस समय अगर आप नजर डालें तो डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, एक्सिस बैंक डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, यस बैंक डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, और टाटा मोटर्स भी यहां पर डेज लो पर ट्रेड करता हुआ। तो बैंकों ने प्रेशर बनाया हुआ है, इस पूरी सीरीज में काफी खराब प्रदर्शन दिखाया है, बाजार को अंडर परफॉर्म किया है बैंक्स ने। क्या लगता है यहाँ पर अविनाश, अगली सीरीज में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा या फिर अगली सीरीज में और खराब प्रदर्शन दिखाएंगे बैंक्स? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से हेमंत, बैंकिंग एक वोलेटाइल सेक्टर रहेगा इवन अगली सीरीज के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बड़ा यू नो इवेंट है बजट, इसमें गवर्नमेंट की क्या नीति रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, स्पेशली अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें, क्योंकि जिस प्रकार की कैपिटल रिक्वायरमेंट पीएसयू बैंकों की है, करीबन 1.2 लाख करोड़ की जरूरत है, कितना प्रोविजनिंग गवर्नमेंट इस बजट में प्रोवाइड करेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बड़ा रिकैपिटलाइजेशन पैकेज अनाउंस होता है तो आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस यू नो पीएसयू बैंक्स में देखने को मिलेगा, बट एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे मुझे लग रहा है कि शायद फोर्थ क्वार्टर भी पीएसयू बैंकों के लिए, स्पेशली अगर हम एसबीआई, पीएनबी या टिपिकली बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये सारे बैंक्स की एसेट क्वालिटी फोर्थ क्वार्टर में भी दबाव में रहेगी। तो मेरे ख्याल से काफी नेगेटिव बायस से ये शेयर्स ट्रेड करने चाहिए। जब तक अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती और जब तक कोई ठोस यू नो इकोनॉमी में रिवाइवल के साइंस मिलते नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स तो डेफिनेटली यू नो थोड़े से यू नो डाउन ट्रेंड ही